नमस्कार दोस्तों, रोजाना राशिफल देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि दोस्तों आपकी राशि से जुड़ी सभी जानकारियां सबसे पहले आप तक पहुंच सके और आप उन्हें देखकर अपने जीवन के उत्तम सुखों का लाभ ले सकें। तो आइए दोस्तों सके साथ आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 27 मार्च 2022 की आपकी राशिफल के बारे में। सबसे पहले दोस्तों, जिनका भी अष्टमी बर्थडे है या फिर एनिवर्सरी है, आप सभी को मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। तो आइए दोस्तों सके साथ बात करते हैं अष्टमी ग्रहों की स्थिति कैसी होंगी, क्या क्या योग बनेंगे और इन सभी का असर आपकी राशि पर क्या होगा, किन किन चीजों को लेकर अष्टमी आपको सावधान रहना होगा और आखिर कौन कौन से कार्य आपके लिए भाग्यशाली होंगे। दोस्तों अष्टमी आपका लव लाइफ, स्वास्थ्य, करियर और धन की स्थिति कैसी रहेंगी। साथ ही दोस्तों वीडियो के मध्य में आप सभी के लिए बहुत ही अच्छे विचार दिए गए हैं, जिन्हें आप जरूर देखिएगा, आपको काफी अच्छा लगेगा। तो आइए दोस्तों बात करते हैं। दोस्तों इस दिन रविवार का दिन रहेगा, कृष्णपक्ष की द्वादशी, कृष्णपक्ष की दशमी तिथि रहेगी और दोस्तों इस दिन उत्तराषाढ़ा नाम का नक्षत्र रहेगा। वही दोस्तों इस दिन योग की बात करें तो दोस्तों इस दिन शिव नाम का शुभ योग रात्रि के 8:15 रहेगा, उसके उपरांत शुभार सिद्धि नाम का शुभ योग प्रारंभ हो जाएंगे। वही दोस्तों इस दिन राहु कल के समय की बात करें अर्थात अशुभ समय की, दोस्तों ध्यान रहे आप यह राहु कल के समय में कोई भी शुभ और महत्वपूर्ण कार्य को भूल से भी ना करें। तो दोस्तों यह समय रहेगा शाम के 5:05 से लेकर शाम के 6:36 तक और दोस्तों चंद्रमा दिन मकर राशि पर संचार करेंगे। दोस्तों भाग्य और दूसरों को दोष क्यों देना, जब सपने हमारे हैं तो कोशिश हमारी ही होनी चाहिए। कहते हैं कि किस्मत पलटती है पर जिसकी व्हील पलटती है पलटकर रख देती है। एक ही बात अच्छी है, इन लकीरों में धोखा देती है पर रहती हमारे हाथों में ही है। भाग्य के दरवाजे पर सर पीटने से बेहतर है कि कर्मों का तूफान पैदा करें, सारे दरवाजे अपने आप खुल जाएंगे। दोस्तों कर्म को बोओ और आदत की फसल काटो, आदत को बोओ और चरित्र की फसल काटो, चरित्र को बोओ और भाग्य का फसल काटो। तकदीर के लिखे पर शिकवा ना कर, तू अभी इतना समझदार नहीं हुआ है कि रब के इरादे समझ सके। फर्क तो होता है खुदा और फकीर में, फर्क तो होता है किस्मत और लकीर में। अगर कुछ चाहो और न मिले तो समझ लेना कुछ और अच्छा लिखा है तकदीर में। तो चलिए इसी के साथ बात करते हैं आज की राशिफल की। देनी राशिफल। दोस्तों यह समय शांतिदायक व फिर धनदायक चल रहा है, घर में उचित व्यवस्था बनाए रखने की कोशिश भी कामयाब रहेगी। विद्यार्थियों को भी यह समय उच्च अध्ययन व फिर अनुसंधान में उचित परिणाम भी हासिल होंगे तथा जीवन बहुत ही सहज और सरल प्रतीत होगा। इसके उपरांत दोस्तों यश में अगर आपकी सावधानी को लेकर बात करें तो दोस्तों यश में किसी प्रकार के आवागमन संबंधी कार्यों को स्थगित रखें दोस्तों, क्योंकि इनमें समय जो है व्यर्थ होने के अलावा कुछ नहीं आपको हासिल होगा। दोस्तों घर के किसी नजदीकी सदस्य के वैवाहिक जीवन में अलगाव जैसी स्थिति उत्पन्न होने से घर में जो है थोड़ा सा तनाव भरा वातावरण भी रह सकता है। इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके लिए जो समय होंगे, आपको बता दें कि अपनी गलतियों की बार बार याद करने से आपको सिर्फ तकलीफ ही हो सकता है। दोस्तों जिन बातों को आप बदल सकते हैं उनको बदलने की कोशिश करें, केवल विचार करके आप खुद को तकलीफ दे रहे हैं। दोस्तों कुछ बातों में विचार व्यक्त करना भी आपके लिए इसमें अत्यंत आवश्यक होगा। किसी भी प्रकार के तनाव का अपनी नींद पर असर ना होने दें, ये आपके लिए बेहतर होंगे। इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके लिए समय होंगे, आपको बता दें कि यश में आप फालतू की गतिविधियों में ध्यान हटाकर अपना ध्यान को अपने कार्यों के पर केंद्रित रखें। ग्रह स्थितियां यश में अनुकूल है, आपके रुके हुए काम सुचारू रूप से संपन्न होते जाएंगे, घर का माहौल भी यश में अनुशासित रहेगा। किसी सामाजिक धार्मिक समारोह में जाने से लोगों के साथ मेल मिलाप भी यश में आपका बढ़ेगा। इसको प्रांति दोस्तों यश में किसी किसी समय आपका मन में छोटी छोटी बातों को लेकर विचलित रह सकता है, परंतु दोस्तों यश में अपनी मन स्थिति पर नियंत्रण रखना भी आपके लिए अति आवश्यक होगा, क्योंकि दोस्तों इसका नकारात्मक प्रभाव या फिर नकारात्मक असर आपके पारिवारिक जीवन पर भी पड़ सकता है। दोस्तों भाइयों के साथ संबंध इसमें अवश्य मधुर बनाकर रखें, ये आपके लिए बेहतर होंगे। इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके लिए समय होंगे, आपको बता दें कि आपके विचारों के सीमित दायरे से बाहर निकाल कर आप अपनी सोच को पढ़ाने की कोशिश करेंगे, दूसरों से मिले सुझाव को जो है समझने की कोशिश भी करेंगे और दोस्तों ये जो समय आपके लिए आप अधिक से अधिक व्यक्ति के परिचय में आने की वजह से नई बातों को भी सीखना आपके लिए यश में आसान होगा। इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके लिए समय होंगे,
दोस्तों आपको बता दें कि कलात्मक तथा रुचिपूर्ण कार्यों में विशेष समय व्यतीत होगा और दोस्तों आप अपने आप को बहुत ही ऊर्जावान यशमय महसूस करेंगे। किसी पारिवारिक सदस्य के विवाह में या फिर विवाह से संबंधित रिश्ता आ सकता है। विदेशी संपर्क सूत्रों से अच्छी इनकम होने की संभावना इसमें बन रही है। विदेशी संपर्क सूत्रों से इसमें अच्छी इनकम होने की संभावना बन रही है। इसके उपरांत दोस्तों यशोमय कुछ काम बनते बनते बीच में भी रुक सकते हैं। इनकी वजह से आपकी ही एकाग्रता में कमी होना चाहिए। दोस्तों यशोमय खर्चों के प्रति कंजूसी करना भी परिवार के लिए दिक्कतें उत्पन्न कर सकता है। अपनी भावनाओं पर यशमय आप काबू रखें, ये आपके लिए बेहतर होंगे। इसके उपरांत दोस्तों यशमय आपके लिए समय होंगे। आपको बता दें कि आपके अंदर काफ़ी बेचैनी बढ़ रही है, लेकिन दोस्तों इन बेचैनी को अभी आपको जो है व्यक्त नहीं करना चाहिए। फिलहाल दोस्तों आप स्थिति केवल देख रहे हैं और लोगों के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों आपके विचार और योजनाओं को दूसरे के द्वारा न समझ पाना फिलहाल आपके लिए उपयुक्त होगा। इसके उपरांत दोस्तों यशमय आपके लिए समय होंगे। आपको बता दें कि यशमय आपकी परेशानियों में नजदीकी रिश्तेदारों का सहयोग आपके लिए मनोबल को बनाकर रखेगा। दोस्तों जिनकी वजह से आपको तनाव से काफ़ी हद तक राहत मिलेगी। किसी महत्वपूर्ण कार्य का जो नींव है इन्हें रखने के लिए जो दिन है आपके लिए बहुत उत्तम दिन होगा। यशमय अतिरिक्त आय की प्राप्ति के योग भी बन रहे हैं। तो दोस्तों यशमय अपने कार्य के प्रति अपना ध्यान को केंद्रित रखें। इसके उपरांत दोस्तों कुछ गलत प्रवृत्ति के लोग आपके कामों में विघ्न डाल सकते हैं। ऐसे लोगों के साथ कोई भी संपर्क ना रखें। फिजूल खर्ची से भी यशमय आपको बचना जरूरी है। दोस्तों पारिवारिक जनों पर बहुत अधिक अनुशासन बनाकर रखना उन्हें परेशान कर सकता है। दोस्तों उन्हें भी यशमय थोड़ा सा छूट दें। इसके उपरांत दोस्तों यशमय आपके लिए समय होंगे। आपको बता दें कि दोस्तों जीवन से जुड़ी किसी एक बात को प्रगति की ओर ले जाने का निर्णय यशमय आप ले सकते हैं और उसके लिए आप प्रयत्न कर सकते हैं और उसी के लिए प्रयत्न आपके द्वारा किए जाएंगे। दोस्तों आपको आगे बढ़ने के लिए जो भी सहयोग की आवश्यकता होगी दोस्तों वह आसानी से आपको यशमय मिलने वाला है। इसके उपरांत दोस्तों यशमय खुद के अंदर बदलाव लाने की वजह से आपके काम की क्षमता यशमय बढ़ रही है और दोस्तों करंट परिस्थिति में भी आप यशमय डगमगाएंगे नहीं, ये आपके लिए यशमय बेहतर होने वाले हैं। इसके उपरांत दोस्तों यशमय अगर आपकी करियर को लेकर बात करें तो दोस्तों यशमय आपके व्यवसाय के लिए समय होंगे। व्यवसाय के स्थल पर शांतिपूर्ण माहौल बना रहेगा, परंतु अपने काम की क्वालिटी की ओर अधिक आपको ध्यान देना चाहिए, इन्हें बेहतर बनाना चाहिए। दोस्तों यशमय किसी ऑर्डर के निरस्त होने की आशंका भी बन रही है। नौकरी पेशा स्त्री वर्ग को विशेष रूप से कोई अथॉरिटी यशमय मिल सकती है। इसके उपरांत दोस्तों यशमय आपके करियर के लिए जो समय होंगे दोस्तों आपको बता दें कि मीडिया, आर्ट, कंप्यूटर आदि से संबंधित व्यवसाय में यशमय लाभदायक स्थितियां रहेंगी। ये जो समय है आपके लिए किसी भी नए काम में दिलचस्पी ना लें। नौकरी पेशा व्यक्तियों को अपने जो है डिपार्टमेंट में किसी प्रकार का महत्वपूर्ण अथॉरिटी प्राप्त हो सकता है। इसके उपरांत दोस्तों यशमय आपके व्यवसाय के लिए समय होंगे दोस्तों आपको बता दें कि स्त्री वर्ग से जुड़े बिजनेस सफल रहेंगे। कोई पार्टनरशिप करने की अगर सोच रहे हैं तो दोस्तों उसे तुरंत क्रियान्वित करें, इसमें सफलता मिलने के पूरे योग बन रहे हैं। दोस्तों नौकरी पेशा स्त्रियों के लिए कुछ महत्वपूर्ण उपलब्धियां भी यशमय बन रही है। इसके उपरांत दोस्तों यशमय आपके करियर के लिए जो समय होंगे, आपके व्यवसाय के लिए जो समय होंगे दोस्तों आपको बता दें कि व्यवसाय में बहुत अधिक यशमय व्यवस्था बनी रहेगी, परंतु आपकी मेहनत के परिणाम भी यशमय बहुत ही उचित और उत्तम प्राप्त होंगे। दोस्तों दिन के दूसरे पक्ष में व्यापार संबंधी दिक्कतें भी आ सकती है, हालांकि दोस्तों आप जो अपनी सूझबूझ द्वारा उन्हें हल भी करने में यशमय सक्षम रहेंगे। इसके उपरांत दोस्तों यशमय अगर आपकी लव लाइफ को लेकर बात करें तो दोस्तों यशमय पारिवारिक तथा व्यावसायिक गतिविधियों में सामंजस्य बनाकर रखना घर के माहौल को सुखमय बनाकर रखेगा। विवाहेतर संबंधों से दूरी बनाकर रखना यशमय आपके लिए अति आवश्यक होगा। इसके उपरांत दोस्तों यशमय आपके लव लाइफ के लिए समय होगी दोस्तों आपको बता दें कि यशमय जीवन साथी के साथ संबंध जो है भावुकतापूर्ण रहेंगे। विवाहेतर संबंधों की भी यशमय उभर सकते हैं, परंतु इसका नकारात्मक असर आपके पारिवारिक जीवनों के या फिर पारिवारिक जीवन पर पड़ सकता है। इसके उपरांत दोस्तों यशमय आपको बता दें आपके लव लाइफ के लिए समय होगी दोस्तों दाम्पत्य जीवन सुखमय रहेगा और तथा घर परिवार का वातावरण भी यशमय सौहार्दपूर्ण बना रहेगा। इसके साथ ही दोस्तों यशमय आपके लिए समय होंगे दोस्तों यशमय पति पत्नी के संबंध भी खुशनुमा रहेंगे तथा परिवार के साथ किसी धार्मिक अनुसंधान में जाने का अवसर भी आपको प्राप्त हो सकता है। इसके उपरांत दोस्तों यशमय अगर आपकी स्वास्थ्य
यानी सेहत को लेकर बात करें तो दोस्तों सेहत या समय ठीक रहेगा, परंतु तनाव जैसी स्थितियाँ आपको इसमें बेचैन कर सकती है, इनसे आपको बचना चाहिए। सिर दर्द की समस्या आपको इसमें परेशान कर सकती है। इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके स्वास्थ्य आपके सेहत के लिए जो समय होंगे सिर्फ वातावरण से आपको अपना बचाव करना चाहिए, ये आपके स्वास्थ्य के लिए समय बेहतर होंगे। इसके साथ ही दोस्तों गैस तथा अफरा की स्थिति भी रहेगी। खान पान व फिर दिनचर्या बहुत ही अधिक संयमित रखिए, ये आपके स्वास्थ्य के लिए समय बेहतर होंगे। इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके लिए समय होंगे गलत खान पान की वजह से पेट खराब भी हो सकता है तथा गैस व फिर एसिडिटी जैसी समस्या भी आपको यश में परेशान कर सकती है। तो दोस्तों इन सभी से बचाव करें, ये आपके स्वास्थ्य के लिए यश में बेहतर होंगे। और दोस्तों इधर भाग्यशाली रंग रहेगा आपका पीला और भाग्यशाली अंक रहेगा 1।